मगर नेता जी के महिमा को किसी गीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, तो निश्चय जो कागज में सागर भरने वाला काम है और वो काम आदरणीय काशीनाथ यादव जी का आवाज को गौरव कर दिया। हमने गांधी और नेहरू को देखा जाता है, लेकिन एक सच्चाई है कि देश के महापुरुषों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर किसी नेता को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करवाना और तेरहवें दिन तक पूरा देश उस गांव में जाकर माथा टेक रहा है, लगा सकते हैं आप? कोई कल्पना कर सकता है? कोई कम जिस तरह की खास औचार राजनीतिक हो रही है, सबसे बड़ा विरोधी भी नेताजी के जाने पर हुआ, तो नेताजी की शख्सियत और नेताजी की महिमा से जीती जाने की मिसाल हम लोग अपने को भाग्यशाली समझते हैं। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे क्या था, आप लोग से तमाम ऐसे लोग होंगे जब वहां पहुंचते होंगे तो एक अजीब सा हमें तो का एहसास हुआ होगा नेताजी के सामने कर दूंगे। नेताजी इसे के लिए तो जिंदगी भर नेताजी का विरोध करते हुए अपनी राजनीति दुकान चलाए और फिर नेताजी के जाने पर रोक दिए, इस बात को साबित करता है इस सब के दिलों में नेताजी का जलवा है। किसी धर्म विशेष के नहीं थे, किसी जात विशेष के नहीं थे, किसी एक के लिए बात नहीं करते थे। रक्षा मंत्रालय मिला तो जो उन्होंने मिसाल पेश किया उनके भीतर की आत्मा समान संस्थान गया बेटा हो गया।